कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर तहसील दिवस पर पहुंचे ग्रामीण। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अर्गजा पांडेपुर में कोटेदार बंधु चौधरी के रवैया से गांव के किसान मजदूर त्रस्त होकर आखिर एकजुट हो आवाज उठाने के लिए विवश हो गए। भारी संख्या में तहसील दिवस के मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कुछ बिंदुओं पर शिकायत की गई। मिट्टी का तेल सन 2019 में अभी तक एक बार भी वितरित नहीं हुआ। बायोमेट्रिक मशीन में कभी भी पर्ची नहीं निकली। पर्ची ना देने की वजह से कार्ड धारकों को गलत यूनिट बिठाकर राशन देना, यह जो कि कोटेदार के कालाबाजारी की सारी हदें तोड़ देता है। बायोमेट्रिक में पहले अंगूठा लगवा लिया जाता है और 4-5 दिन के बाद राशन देने की बात कोटेदार द्वारा कही जाती है। बाद में जब कार्ड धारक राशन लेने के लिए जाते हैं तो कुछ ही कार्ड धारकों को राशन देने के बाद राशन खत्म हो गया करके कह दिया जाता है। यह क्रिया 4-5 महीने से चल रही थी। हर बार राशन वितरण के समय कार्ड धारक और कोटेदार के लड़के लखंदर के साथ कहा सुनी गाली गलौज होती है, जिससे त्रस्त होकर गांव की महिलाएं पुरुषों ने आवाज उठाया और जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की, जिसमें मांग किया है कि हम मजदूरों का हक मारने वाले की जांच कराई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। कई बार महीना 3-4 महीना हो गया, हमेशा कोई धरना है। वहाँ पे अंगूठा लग जाता है तो कार्ड पे चढ़ जाता है और गला नहीं मिलता। लोग बेवस हो जाते हैं, क्या करें? वो झगड़ा करते हैं, बोलता है SST लगवा दूंगा, बोलता है SST लगवा दूंगा, यही बोलता है। SC का है? हाँ, SC का है। झगड़ा करता है, हर बार 100 नंबर आती है। आप 100 नंबर पता कर लीजिए, 100 नंबर आ जाती है कि नहीं आती है।